भाजपा की उम्मीदवारी न मिलने से नाराज होकर पूर्व सीएम मनोहर पारिकर के बेटे उत्पल पारिकर ने बीजेपी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया और अब वो पणजी निर्वाचन क्षेत्र से निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ेंगे। गोवा विधानसभा चुनाव में शिवसेना की उपस्थिति दर्ज कराने में डटे हुए शिवसेना सांसद संजय राउत ने इस ताजा घटनाक्रम पर कूदते हुए कहा कि अब पणजी में लड़ाई बेईमानों और चरित्र के बीच होगी। दरअसल उत्पल पारिकर जो गोवा के पूर्व सीएम मनोहर पारिकर के बेटे हैं, घोषणा की है उन्होंने कि वह पणजी निर्वाचन क्षेत्र से निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ेंगे। बता दें कि उत्पल पारिकर ने बीजेपी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। बीते दिन ही उत्पल ने पणजी निर्वाचन क्षेत्र से निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में चुनावी मैदान में उतरने की घोषणा की थी। हालांकि बीजेपी पार्टी द्वारा पणजी से टिकट न मिलने से वो नाखुश थे। तमाम राजनीतिक उठापटक के बीच शिवसेना भी गोवा विधानसभा चुनाव में एनसीपी के साथ गठबंधन कर वहां झंडे गाड़ने में एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। बतौर सर्वे सर्वा शिवसेना सांसद संजय राउत यहाँ की कमान संभालने नजर आ रहे हैं। आइए देखते हैं गोवा के ताजा घटनाक्रम पर क्या कुछ कहना है शिवसेना सांसद संजय राउत का। भारतीय जनता पार्टी ने ये उनके ऊपर थोपा है, मुझे लगता है। मनोहर पर्रिकर एक ऐसे नेता थे गोवा के, जिसने गोवा का नाम देश में रोशन कर दिया। ये राजनीति का चरित्र कैसा होना चाहिए ये पर्रिकर साहब ने दिखाया था पूरे देश को। लेकिन उनके लड़के को जिस तरह से अपमानित किया गया गोवा में, देश के राजनीति में, ये गोवा की जनता को अच्छा नहीं लगा। अब उत्पल पर्रिकर ने पार्टी का त्यागपत्र दिया है और ये घोषणा भी की है कि वो अपक्ष स्वतंत्र उम्मीदवार के तौर पर वहाँ चुनाव लड़ेंगे पणजी में। अब ये लड़ाई होगी बेईमानी वर्सेस चरित्र कैरेक्टर। उत्पल के सामने पणजी में जिस पणजी का नेतृत्व मनोहर पर्रिकर जी ने किया था, वहाँ एक ऐसे व्यक्ति को अपने उम्मीदवार बनाया है जिसके ऊपर करप्शन, माफियागिरी, रेप, ऐसे सभी आरोप उनके ऊपर लगे हैं। ऐसे व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी का चेहरा बनकर पणजी में खड़ा है और मोदी जी उसके प्रचार के लिए आएंगे। आश्चर्य की बात है, मोदी जी आएंगे, गृहमंत्री अमित शाह जी आएंगे, देवेंद्र फडणवीस तो वहाँ ही बैठे हैं। तो उत्पल पर्रिकर और ये सब लोग ऐसा सामना होगा और हम सब की उत्पल के लिए शुभकामनाएं। लव यू दीपिका, बाय। सब जानना चाहते हैं मेरा फेवरेट कलर, मेरा फेवरेट डेस्टिनेशन, मेरी फेवरेट डिश, पर कोई ये नहीं पूछता कि फेवरेट डिश मैं बनाती कैसे हूँ। अरे यार, जिसे टेस्टी खाना पसंद है वो अच्छे टेस्ट तक पहुँच ही जाता है। सुरुचि मसाले, खाने में हो रुचि तो घर लाइए सुरुचि।